हेलो दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कि चप्पल यानी स्लीपर किस तरह से पहनते हैं। और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूल फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। इसको सैंडल भी कहते हैं। और सबसे पहले तो इसको पहनने से पहले इसको धोना बहुत ही ज़रूरी होता है। जैसे कि मैं यहाँ रख के इसमें सबसे पहले पानी डालता हूँ और उसके बाद ब्रश में साबुन लगा के अच्छे तरह से इसको रगड़ना होता है। इतने तेजस्वी लोग हैं, इतने शानदार विचार रखते हैं। और जैसे ही आपने अपने स्लीपर को अच्छी तरह से धोने के बाद इसको अच्छे कपड़ों से इस तरह से पोंछ लीजिए, ताकि ऐसे करने से देखने में भी अच्छे लगते हैं और इसके बैक्टीरिया भी सब खत्म हो जाते हैं, बैक्टीरिया फैलने के चांसेस भी नहीं होते हैं। स्लीपर को पहनने के लिए सबसे पहले तो दो तीन बातों का ध्यान में रखना बहुत जरूरी होता है। जैसे कि ये अभी उल्टा है तो उल्टा स्लीपर को आप नहीं पहन सकते, इसीलिए आपको उल्टा करना इसको बहुत ही ज़रूरी होता है। और इससे भी ज़रूरी बात ये होता है कि इसके नेगेटिव पॉजिटिव पहुँचाना, जैसे कि आपको ये स्लीपर हो गया आपके दाएँ पैर का और ये स्लीपर हो गया आपके बाएँ पैर का, और आपको दाएँ पैर के स्लीपर को बाएँ पैर में और बाएँ पैर के स्लीपर को दाएँ पैर में नहीं लगा सकते, क्योंकि ऐसा लगाने से आपको अनकम्फर्टेबल फीलिंग होते हैं। तो इसलिए इसको सबसे पहले तो आपको पहनने से पहले इसको उल्टा सीधा देख लीजिए और इसको सीधा जगह में रख लीजिए। जैसे कि मैं अभी इस साइड में रख रहा हूँ, मिट्टी मिट्टी हो गया है, अभी अभी धोया हूँ फिर भी मिट्टी लग गया है, आपको मिट्टी नहीं लगाना चाहिए। अभी ये स्लीपर के दायाँ बायाँ मिला जुला है, लेकिन इसके बावजूद भी आप बाएँ पैर दाएँ पैर में लगाओगे, जैसे कि मेरा ये दाएं पैर बाएं चप्पल में लगाया और बाएं पैर दाएं चप्पल में लगाया, तो इसमें भी आप गिरने की चांसेस बहुत होते हैं। तो इस तरह से भी आपको स्लीपर नहीं लगाना चाहिए। याद रहे कि अपने पैर की बूढ़ी अंगुल, जैसे कि मेरे बूढ़ी अंगुल है, इसकी किला अपने बूढ़ी अंगुल की तरफ होना चाहिए। जैसे कि मेरा ये चप्पल है तो इसके बूढ़ी अंगुल इस तरह में है और इसके बूढ़ी अंगुल मेरे राइट तरफ है, तो इसकी किला भी राइट तरफ है, तो इसको भी इस तरह से लगा लेना चाहिए। और इस तरह से दोनों पैरों में आप चप्पल लगाने के बाद उसको कम्फर्टेबल करने के लिए इस तरह से हिलाए, दो तीन टाइम तक इस तरह से हिलाए और ऐसा ऐसा करें ताकि कम्फर्टेबल हो जाए। तो मुबारक हो दोस्तों, आपने चप्पल पहनना अपने स्लीपर पहनना सीख लिया है। के साथ आज की मजदूरी यही खत्म करते हैं। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई तो लाइक मारो यार, मुझे नहीं पता मुझे 2 मिलियन लाइक्स चाहिए, कैसे ना कैसे करके मुझे चाहिए। तो इस वीडियो को आपको अपने दोस्त के सामने जरूर भेजें, क्योंकि 21 सेंचुरी में चप्पल पहनना जानना सबके लिए बहुत जरूरी है। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।